पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सिस्टमेटिक लूट को जन्म दिया गया है और इसका शिकार हमारा कुलटी विधानसभा भी हुआ है, औद्योगिक उन्नति को बाधित किया गया, किसानों को उनका अधिकार नहीं दिया गया है, आज हमारा युवा बाध्य है अपना घर बार छोड़ के बाहर जाके काम करने के लिए। युवाओं के भविष्य को कुचलते जिस तरीके से कुचला गया है, उनके अधिकार को जिस तरीके से मसल दिया गया है, युवा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अपने युवाओं के साथ, अपने कुलटी विधानसभा के सारे युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी आवाज़ को बनकर आज हम यहाँ पे प्रतिरोध करने आए हुए हैं। पुलिस प्रशासन को इस बात को समझना होगा और हम इस बात को आज उनसे समझा के भी जाएंगे कि जहाँ भी युवाओं के लिए अन्याय हो रहा है और जिस तरीके से लूट खसूट को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस चीज़ को बंद करना होगा और उसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ी है और लगातार इस तरीके अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम आगे भी इस तरीके से लगातार अपना प्रदर्शन जारी करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? दीपक सिंह, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी आसनसोल।